वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ पे या किसी सेंटेंस पे बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ में बॉर्डरिंग करना, उसका यूज़ देखते हैं कैसे होता है। वो मिलेगा हमें होम के अंदर। होम टैब पे हम जाएंगे और वहाँ पे यहाँ पैराग्राफ का एक सेक्शन है। इसमें हम जिस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं या जिस पैराग्राफ में हम होते हैं, ये पूरा उसके लिए एप्लीकेबल होता है बॉर्डर। लाइक अगर हम यहाँ पे अभी है और हम यहाँ सेलेक्ट किए और हम कुछ बॉर्डर चाह रहे हैं आउटसाइड बॉर्डर, तो ये इस पैराग्राफ का आउटसाइड बॉर्डर दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा पैराग्राफ के लिए नहीं चाह रहे, हम सिर्फ फर्स्ट लाइन के लिए चाह रहे, तो हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसका जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखे हैं, इसलिए ये इतना बड़ा एरिया सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है। हम अगर पैराग्राफ में वापस जाए तो देखेंगे बिफोर का स्पेसिंग हम 36 रखे थे, उसको अगर कम करेंगे तो वो उतना सिलेक्ट नहीं होगा। आफ्टर का स्पेसिंग भी हम ज़्यादा रखे थे, हमें उतना नीड नहीं है। सो अब देखिए ये कम सिलेक्ट हो रहा है। सो ये हम ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद हम पैराग्राफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर में हम यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जितना हम सिलेक्ट किए थे उतना बॉर्डरिंग हुआ। तो ये दोनों चीज़ के लिए काम आता है, पैराग्राफ के लिए भी या एक वर्ड के लिए भी या एक सेंटेंस के लिए भी। अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करके इसको दिखाएंगे। सो हम लोग पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकें। अभी हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और अब यहाँ पे हम जाएंगे, पहले आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हैं हम यहाँ से, या बॉर्डर एंड शेडिंग पे हम डायरेक्ट जाके इसका सारा फीचर एक बार में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, शेडो यूज़ करके बना हुआ है ऑलरेडी, या फिर हम चाहे तो कस्टम पे भी ले सकते हैं। अभी हम कस्टम के अकॉर्डिंगली करते हैं। लाइक अभी हम इस पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह के डैशेज में बॉर्डर आएंगे। साइज इसका हम 3 PPT लिए हुए हैं और कलर हम इसे फिलहाल ग्रीन ले लेते हैं, तो ये ठीक है। और हम चाहे तो ऊपर का बॉर्डर हटा सकते हैं इस पे क्लिक करके, जैसा कि हम लोग पेज बॉर्डर में करते ही हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ बॉर्डरिंग में भी इसको कर ही सकते हैं। सेम बिहेवियर है, यहाँ 4 बटन दिया हुआ है, ये लेफ्ट, ये राइट के लिए दिया हुआ है, ये बॉटम के लिए एंड ये टॉप के लिए दिया हुआ है। देन ये पूरा पैराग्राफ में अप्लाई होगा, क्योंकि अभी हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, और देन इसको हम ओके कर देंगे, तो ये अप्लाई हो गया पूरा पैराग्राफ में। तो इस तरह से हम बॉर्डर का सेटिंग इसमें कर सकते हैं। अब हम बॉर्डर में कलर भी फिलिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये जो बॉर्डर एरिया है इस पैराग्राफ में कलर भी फिल कर सकते हैं। ये फिल करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, ठीक बॉर्डर के बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन है शेडिंग का, इस पे क्लिक करेंगे और हम जिस भी कलर में जाएंगे वो उस पूरे पैराग्राफ को शेड कर देगा। शेडिंग करने के लिए बॉर्डर का होना ज़रूरी नहीं है, ये शेडिंग का ऑप्शन पैराग्राफ के लिए होता है, हम किसी भी पैराग्राफ में कर सकते हैं। लाइक इसमें हम ये शेड डाल दिए और इसमें यहाँ पे अभी हम इस पे सेलेक्ट किए हुए, मतलब यहाँ पे अगर हम क्लिक किए हैं तो मतलब ये पैराग्राफ सेलेक्टेड है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ वर्ड जो लिखा है, वर्ड जो लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे अब जब हम शेडिंग करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ कोई भी कलर लेंगे तो वो पूरे पे अप्लीकेबल होगा, उसके लिए बॉर्डर का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये इसका यूज़ है। देन हम लोग एक और फीचर पे आते हैं, जो कि वर्ड हम लोग को एक एडिटिंग फीचर देता है। एडिटिंग फीचर का क्या यूज़ है? एडिटिंग फीचर में यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी वर्ड को। लाइक राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक एडिटिंग फीचर है फाइंड। सो जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड पे क्लिक किए, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। हम स्क्रीन को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। अब आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। यहाँ पे हम एडिटिंग फीचर के लिए कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं। लाइक हम विंडोज़ फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे विंडोज़ टाइप करेंगे और आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइंड हो गया। जहाँ जहाँ फाइंड है वो टेक्स्ट यहाँ भी दिखा रहा है और साथ में यहाँ पे भी सब येल्लोइश में आ गया, जो जो विंडोज़ लिखा हुआ है। तो ये फाइंड का प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि एक वर्ड को फाइंड करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए हम लोग को वापस एडिटिंग सेक्शन पे जाना होगा राइट साइड में, और यहाँ पे फाइंड की जगह पे हमें रिप्लेस पे क्लिक करना है। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स उस वर्ड को पहले मांगता है जिसको हमको रिप्लेस करना है। लाइक यहाँ पे विंडोज़ लिखे और अब हम चाहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाए विन से, शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं विन से। हम सिंगल सिंगल रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं,
एक साथ पूरे पे रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे रिप्लेस एक बार क्लिक किए तो ये सिर्फ जो फर्स्ट अटेम्प्ट इसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेगा। लाइक देखते जाएंगे यहाँ पे, देखिए विन रिप्ले विंडो विन से रिप्लेस हो चुका है। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट ये वाला है सो ये इसको रिप्लेस कर देगा, हो गया। लेकिन बाकी भी बहुत सारे जगह विंडोज लिखा है, अगर हम चाहते हैं पूरा एक बार में करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो ये टोटल रिप्लेस 9 रिप्लेसमेंट किया है ये बता रहा है, और टोटल उतना जहाँ जहाँ विंडोज लिखा था वो सब जगह विन हो चुका है। स्टार्टिंग में भी हम लोग का विंडोज लिखा हुआ था वर्ड्स फॉर विन, सो ये विन में आ गया। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का यूज है। एक और छोटा सा चीज रह गया है पैराग्राफ सेक्शन में, हम लोग स्पेसिंग दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का एक शॉर्ट तरीका है, लाइन स्पेसिंग हम लोग पैराग्राफ से भी दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे भी एक एरिया होता है जहाँ हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। हम यहाँ अगर 2 सेलेक्ट करेंगे 2.5 सेलेक्ट करेंगे तो आपस में लाइन में स्पेसिंग हो सकता है, ये एक शॉर्ट तरीका था। तो ये सारा चीज़ हमने सीखा आज कि पैराग्राफ में क्या क्या सेटिंग्स होता है, क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं इस वर्ड में पैराग्राफ के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।